दोस्तों अभी हमने आपको बताया था कि इसको हम इस मशीन से हम कैसे प्रिंट करते हैं। दोस्तों आज को आपको दिखाएंगे कि हम कंप्यूटर के थ्रू या लैपटॉप के थ्रू हम कैसे डायरेक्ट इसको हम प्रिंट कर सकते हैं, केबल फेरूल जो हमारा बनता है कैसे कंप्यूटर के थ्रू हम प्रिंट करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये हमारा पावर केबल है, कनेक्ट हो चुका है इस साइड में, और ये हमारा डाटा केबल है जो कि डाटा ट्रांसफ़र कर लिया है, ये CPU के साथ कनेक्ट है, और ये हमारा फेरूल ID प्रिंटर है, केबल ID प्रिंटर हमारा कैनन का MK2600। तो दोस्तों यहाँ पे हमें एक पावर स्विच दिया गया रहता है, जब हम यहाँ से ऑन करेंगे तब हमारा ये ऑन होता है। तो चलिए आपको दिखाते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ से ऑन करेंगे इसका पावर। देखिए हम जब इधर ऑन करेंगे दोस्तों, ये हमने लगाया नहीं है पहले, इसको हम यहाँ पे लगा लेते हैं। अब दोस्तों जैसे हम यहाँ ऑन करेंगे ऑन हो जाएगा, देख सकते हैं आप यहाँ पे ये ऑन होके आ गया सामने। ये रिबन का इन्फॉर्मेशन है ब्लैक लंग, यानी कि दोस्तों इसमें जो हमारा कार्टिज लगा है, कार्टिज के अंदर जो रिबन है उसका इन्फॉर्मेशन ये देता है, इसके अंदर ब्लैक कलर का रिबन लगा हुआ है तो उसी का इन्फॉर्मेशन भी बताया। उसके बाद दोस्तों जैसे हमें इसको कनेक्ट करना है कंप्यूटर से, तो कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले हमें इसमें देखिए एक दिया है, यहाँ पर PC कनेक्शन लिखा हुआ है। तो PC कनेक्शन जो कि इसको हम दबाएंगे तो हमारा जो प्रिंटर मशीन है ये हमारा कंप्यूटर से कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों कंप्यूटर में कनेक्ट होने के बाद यहाँ पे एक देखिए यहाँ पे सॉफ्टवेयर दिया हुआ है, जो हमारा सॉफ्टवेयर है इसको इंस्टॉल किया गया है दोस्तों। ये देखिए MK2600 पे लिखा हुआ है, इसको ओपन करेंगे तो ये इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। तो ये दोस्तों इस प्रकार से ओपन हो जाता है। तो सबसे पहले इसको प्रिंटर को कनेक्ट करते हैं दोस्तों। देखिए आपके सामने जैसे हम इस पर प्रेस करेंगे PC कनेक्शन का, यहाँ पर लिखने लगा PC कनेक्ट स्टैंड बाई। तो दोस्तों जैसे ये हमारा PC कनेक्ट स्टैंड बाई में हो गया, इसका मतलब जो हमारा प्रिंटर है ये हमारे कंप्यूटर से कनेक्ट हो गया। आप यहाँ से कुछ प्रिंट नहीं कर सकते, हम डायरेक्ट सॉफ्टवेयर के थ्रू यहाँ से प्रिंट करेंगे तो ये हमारा प्रिंट होगा जो भी वहाँ से हम प्रिंट देंगे। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले यहाँ पे फेरूल डाल लेते हैं, केबल फेरूल जो होता है वो ट्यूब यहाँ पे डाल लेते हैं और उसके बाद हम दिखाते हैं। तो दोस्तों हमने सारा सेटअप कर लिया है, चलिए अब अभी आपको दिखाते हैं कि हम कैसे ऑनलाइन या कंप्यूटर के थ्रू हम इसमें केबल फेरूल को प्रिंट करते हैं। तो दोस्तों ये हमारा सारा सेटअप, ये देखिए हमारा डाटा केबल है CPU से हमारे कंप्यूटर से कनेक्ट हो चुका है, और ये हमारा प्रिंटर भी ऑनलाइन हो गया है जैसा कि आप दिख पा रहे होंगे। यहाँ पर दिख रहा है PC कनेक्ट और स्टैंड बाय में शो कर रहा है। तो इसका मतलब दोस्तों ये हमारा कंप्यूटर से कनेक्ट हो चुका है, ये हमारा प्रिंटर है। और ये दोस्तों ये हमारा देखिए पहले से हमने इसमें प्रिंट करके रखा है, तो इसका लेटर आप देख सकते हैं ये 3 mm का, इसका अलग अलग साइज का 3 mm का रेक्टर का है। तो दोस्तों इसी फेरूल को हम डाल के इस पर अपोजिट साइड में प्रिंट करेंगे और आपको इसकी सारी सेटिंग बताएंगे कैसे हम इसमें कंप्यूटर से इसको प्रिंट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इस फेरूल को हम यहाँ से इंसर्ट कर लेंगे, इसको हम पहले दोस्तों इसको बाहर करके हम फेरूल को प्रिंट यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। ये देखिए हम ऐसे यहाँ से इंसर्ट कर लेते हैं। अभी दोस्तों हमारे देखिए इंसर्ट हो गया है ट्यूब यहाँ पे, और ये लिखा भी है ट्यूब अटैचमेंट, यानी कि यहाँ पे ट्यूब को अटैच किया जाता है। उसके बाद दोस्तों हम इसको यहाँ कवर को लगा देंगे, उसके बाद ही ये प्रिंट होता है वरना अलार्म आने लगता है। तो दोस्तों अगर ये जब तक हमारा ऑनलाइन रहता है तो हमारे प्रिंटर यहाँ पे ऑफलाइन काम नहीं करता है, ये कीबोर्ड यहाँ पे कुछ काम नहीं करता है, मतलब कि दोस्तों कैंसिल का बटन काम करेगा बाकी कोई की काम नहीं करता है। तो दोस्तों चलिए अभी आपको यहाँ दिखाते हैं हम कि कैसे इस पर सेटिंग करते हैं। तो दोस्तों मान लीजिए कि हमने यहाँ पर देखिए ये जो सारी सेटिंग दिख रही है ऊपर, ये करेक्टर का है कि हॉरिजेंटल है कि वर्टिकल रखना है। उसके बाद ये फ्रेम है, फ्रेम में दोस्तों ये सारी जो सेटिंग आपको ऊपर दिख रही है इसको चेंज करना हो तो आप यहाँ सेटिंग में जाएंगे। ये सेटिंग में जाएंगे दोस्तों तो देखिए यहाँ पे वर्टिकल या हॉरिजेंटल यहाँ पे चेंज करेंगे, करेक्टर यानी कि फेरूल के ऊपर जो करेक्टर रखना है वो कैसा रखना है। उसके बाद दोस्तों ये हमारा फ्रेम है, फ्रेम में देखिए अगर आपको ऐसा ही कुछ बॉर्डर टाइप का सिलेक्ट करना है तो सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं रखना है तो इसमें नहीं रखेंगे। उसके बाद ये सेट लेंथ है दोस्तों, सेट लेंथ का मतलब जैसे हम एक फेरूल लेकर ये हमारे एक आईडी है फेरूल आईडी, ये इसका लेंथ हम कितना रखना चाहते हैं उसको अगर सेट करना है तो हमें ऑटोमेटिक में छोड़ देंगे तो ऑटोमेटिक ले लेगा। अगर आपने आप से कुछ सेट करना है तो स्पेसिफाई में करके आप जा सकते हैं जितना MM रखना है उसको।
उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अलाइनमेंट है। अलाइनमेंट यानी कि जो प्रिंट होगा वो केबल के किस साइड में यानी किधर रखना, तो यानी सेंटर्ड में यानी बीचों बीच प्रिंट होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे दिखा है करेक्टर साइज, यहीं से हम सिलेक्ट करते हैं करेक्टर साइज यानी कितने एमएम का एक एक वर्ड इसमें जो रहेगा वो कितना एमएम का रखना है मोटाई उसका। उसके बाद एक करेक्टर का स्पेस यानी दो करेक्टर के बीच का जो स्पेस है वो कितना रखना है वो यहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं। इसमें नैरो रहता है, मीडियम रहता है, वाइड रहता है, तो नैरो रखने पर अच्छा रहता है। उसके बाद इसमें 2 mm से बढ़ के अलग अलग साइज हम इसमें ले सकते हैं, तो चलिए हम 2 mm का करके आपको दिखाते हैं। उसके बाद ये लाइन्स यानी कितने लाइन्स प्रिंट करते हैं दोस्तों, यहाँ पर सिंगल लाइन है और डबल लाइन करेंगे तो दो लाइन में फेरूल यहाँ प्रिंट होने लगेगा। उसके बाद जो नीचे वाला ऑप्शन होता है दोस्तों कंटिन्यूस का, ये हमें कापी यानी कितने कापी को प्रिंट करना है, अगर डबल कापी कर देंगे यानी तो एक बार प्रिंट होने के बाद दो बार फिर वही फेरूल प्रिंट होने लगेगा। उसके बाद दोस्तों ये तो सेटिंग हम यहाँ से सेव जब कर लेते हैं, तो दोस्तों ये जो सेटिंग है सारे फेरूल पर अप्लाई करने के सबसे पहले देखिए दोस्तों इसको सबको सिलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद ही जो सेटिंग हम इसमें सेव करेंगे तो सब पे ये जो सेटिंग है सब पे अप्लाई होगा, तो ये सब पे सेटिंग अप्लाई हो गया है। उसके बाद दोस्तों ये जो हमारे फेरूल नंबर है वो हमने इसमें से कापी करके, ये जो हमारे फेरूल फोल्डर में हमारे कंप्यूटर फोल्डर में फेरूल पड़ा था इसको हमने यहाँ से कापी करके फिर यहाँ पर हमने पेस्ट किया है। अब दोस्तों ये जो पूरी सेटिंग करने के बाद हमें इसको प्रिंट करना है, तो प्रिंट करने के लिए दोस्तों हम यहाँ से जाएंगे। पहले दोस्तों उसके पहले आपको बता देते हैं कुछ और इसकी सेटिंग। दोस्तों ये जो हमारे यहाँ पे ऑप्शन दिखा रहा है पेज इंसर्ट का, जब इसको प्रेस करेंगे यहाँ पे तो ये हमारे जो कॉलम है इसमें पेज यहाँ पे बढ़ता जाएगा, और यहाँ से जैसे यहाँ से कम करना है तो यहाँ से पेज डिलीट भी होता जाएगा, ये यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों ये हमारा पेज इंसर्ट और डिलीट का रहता है। उसके बाद यहाँ पर पेज कापी करनी, ये वाला पेज कापी करने के लिए रहता है और ये पेज को कट करने के लिए रहता है। उसके बाद यहाँ से जैसे इस पेज को दोस्तों सेव करना है अपने कंप्यूटर के फोल्डर में, तब डायरेक्ट यहाँ से सेव करेंगे तो हमारे फोल्डर में सेव हो जाता है। और यहाँ से दोस्तों ये पेज को ओपन करने के लिए दूसरा, तो दोस्तों चलिए अभी आपको प्रिंट करके दिखाते हैं कैसे प्रिंट होता है। तो दोस्तों प्रिंट करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर प्रिंट सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद कुछ इस टाइप का आपके सामने आ जाता है। तो दोस्तों ऐसा आने के बाद यहाँ से आपको देखिए इस पर टिक करना है, उसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट करना है प्रिंट मीडिया यानी कि आप किस चीज़ पे प्रिंट कर रहे हैं इसमें सेलेक्ट करना है। तो ये ट्यूब है या सिरिंक ट्यूब है या लेवल है या 4 mm आईडी का स्ट्रिप है, क्लियर ट्यूब है, रफ अराउंड है, टर्मिनल आईडी है, इसमें से जो आपका है तो आप ट्यूब सेलेक्ट करेंगे। अगर फेरूल आप प्रिंट कर रहे हैं तो इसमें ट्यूब में सेलेक्ट करके उसके बाद ट्यूब का साइज किस साइज का ट्यूब है वो हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो दोस्तों हमारा ये जो फेरूल है, ये जो हम फेरूल इसमें यूज कर रहे हैं ये हमारा 2.5 mm का है, तो हम इसमें से ही यहाँ से 2.5 mm का सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद सेट ऑफ प्रिंट है यानी कितना प्रिंट सेट करना है, तो हमें एक प्रिंट लेना है। तो उसके बाद यहाँ से ओके करेंगे तो हमारा प्रिंट होने लगेगा। तो दोस्तों चलिए हम ओके करते हैं फिर आपको दिखाते हैं। देखिए जैसे हम ओके करेंगे तो कंप्यूटर हमारा डाटा प्रिंटर को सेंड करेगा, यहाँ से ओके करते हैं फिर देखिए ये हमारा यहाँ से डाटा सेंड कर दिया, रिबन रिमेनिंग यहाँ शो कर रहा है। ये तो दोस्तों हमारा देखिए डाटा यहाँ पर आ चुका है और देखिए इधर प्रिंटिंग हो रहा है, तो देख सकते हैं ये हमारा प्रिंट हो गया, हमारा बाहर आ गया है फेरूल। और ये देखिए यहाँ पे शो कर रहा है पीसी कनेक्ट। या दोस्तों जब कनेक्ट प्रिंट होता है तो प्रिंटिंग के बारे में बताता भी है, और जैसे अगर कुछ यहाँ प्रॉब्लम आता है यानी कि अगर ये हमारा फेरूल ख़त्म होता है तो यहाँ पर लिख देता है, या अगर इसमें रिबन में हमारा अगर कलर ख़त्म होता है तो भी उसका अलार्म आ जाता है। तो दोस्तों देख सकते हैं ये हमारा छोटा लेटर इसमें आराम से कैसे प्रिंट हो गया, पहले से इसमें बड़ा हुआ लेटर पड़ा हुआ था। तो दोस्तों यही है तरीका हमारा, अगर जैसे आपको अगर कैनन का ये हमारे देख लीजिए ये हमारा कैनन का MK2600 केबल आईडी प्रिंटर है। अगर आपको इससे दोस्तों यहाँ से भी मैनुअली आप प्रिंट करके टाइप करके प्रिंट कर सकते हैं एक एक करके, और इकट्ठे आपको बहुत ज़्यादा प्रिंट करना हो तो आप कंप्यूटर के थ्रू यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके उस सॉफ्टवेयर में कॉपी पेस्ट करके फिर आप प्रिंट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है तरीका आपको प्रिंट करने का। दोस्तों अगर आपको कुछ और इसमें पूछना हो, कोई सेटिंग के बारे में पूछना हो, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी दोस्तों इस प्रिंटर से रिलेटेड और भी कोई आपको जानकारी हो तो हमें ज़रूर कमेंट करके पूछिएगा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो दोस्तों केबल ये हम आप ये जो देख रहे हैं केबल फेरूल, ये हमारा एक्सेल शीट में केबल फेरूल पड़ा है।
तो दोस्तों अगर आपको जानना है कि कैसे हम एक्सेल शीट में केबल फ्रूम को बनाते हैं, वो कैसे तैयार करते हैं एक फार्मूला के जरिए, हमें ये जो हमारा केबल का डिटेल्स रहता है उस केबल के डिटेल्स से मिला के हम सब केबल फ्रूम बनाना हो, तो दोस्तों आप एक एक करके टाइप करेंगे। लेकिन दोस्तों इस फार्मूले के द्वारा हमें अगर बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, अगर आपको जानना हो तो कमेंट कीजिएगा, फिर हम इसका एक अलग से वीडियो बना देंगे कि कैसे हम इसका केबल के फेरूल बनाते हैं। एक फेरूल बनाने के बाद सारे का सारे जितना भी यहाँ पे पेज रहेगा, जितना कॉलम में रहेगा, सब ऑटोमेटिक कॉपी हो जाता है, बन अपने आप बन जाता है। तो दोस्तों ये कैसे बनता है अगर आपको जानना हो तो कमेंट कीजिएगा, उसके लिए हम एक अलग आपको वीडियो बना के दे देंगे। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।